हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका ट्रेनर अजय, हुआवी दक्ष ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर, तो ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो जेंडर इनइक्वालिटी हमारे भारत में क्या है, उस बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, UNDP's जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2040, इंडियाज़ रैंकिंग इज़ 127 आउट ऑफ 152 कंट्रीज इन द लिस्ट। ठीक है, अगर पूरे देश में 152 देशों में हमारा जो रैंकिंग है 127वां नंबर है जेंडर इनइक्वालिटी में। कहने का मतलब कि हमारे यहाँ जेंडर जो इनइक्वालिटी है, जो मेन फीमेल जो समानता है या जो असमानताएं हैं, वो 127वें नंबर पे है। UNDP का मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करता है, उसके अनुसार जो हमारा जेंडर गैप जो 2014 में जो लिया गया था वो डेटा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इंडियाज़ रैंक एट 114 इन द लिस्ट ऑफ 142 कंट्रीज, 142 देशों में इसको किया गया था, तो हमारा जो रैंकिंग है 114वें नंबर पर है। ठीक है, दिस इंडेक्स एग्जामिन जेंडर गैप इन फोर मेजर एरियाज, तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने है वो कुछ एरियाज़ में जेंडर गैप को नोटिस किया है या बताया है कि हमारे यहाँ पे इन इन चीज़ों में जेंडर गैप है, तो आइए वो चीज़ जान लेते हैं। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, मान लीजिए कोई इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है या किसी इकोनॉमिक में पार्ट लेना है, तो वहाँ पे जो हमारी जेंडर गैप है वो 134वें नंबर पे हमारा है। सोचिए हमारे यहाँ जेंडर गैप कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको कम करना है। एजुकेशनल अचीवमेंट 126वें नंबर पे है। एजुकेशनल अचीवमेंट्स में मतलब कि जैसे कि मेल और फीमेल है, तो हमारा जो जेंडर गैप है, कहने का मतलब कि वुमन को जो हमेशा जो हम लोग सप्रेस करते हैं, दबा कर रखते हैं, उनको उतना फ्रीडम नहीं दिया जाता, एक्सप्लॉइट करते हैं, हरासमेंट करते हैं, मतलब हर तरीके का जो दिक्कत का सामना उनको करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं मतलब कि जो एजुकेशन है उतना अच्छा एजुकेशन हमारे यहाँ उनको नहीं मिल पाता है, तो एजुकेशनल अचीवमेंट 126वें नंबर पे है। हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी 141वें नंबर पे है। ठीक है, वुमन को उतना हेल्थ पे भी ध्यान नहीं रखा जाता है या किसी बहुत सारे कारण हैं, तो वो रैंकिंग हमारा 141वां है। ठीक है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में 15वां नंबर है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब कि आप अगर आप राजनीति में रुचि रखते हो या राजनीतिक संबंध है आपका, तो आप देखते होंगे कि जो वुमन की सीट है वो बहुत कम है। कहीं ना कहीं हर जगह से आप देखोगे कि तो मैक्सिमम मेल कैंडिडेट्स ही आपको पॉलिटिकल में या मिलेंगे। ठीक है, जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो मैक्सिमम मेल हैं, वहाँ पे फीमेल का रोल बहुत कम है। ठीक है, तो इसको भी ये हमारा 15वें नंबर पर आता है। आइए आगे चलते हैं। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स अगेंस्ट जेंडर इनइक्वालिटी, तो देखिए हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा भारतीय संविधान है वहाँ पे कुछ सेफगार्ड्स बताए गए हैं जिससे कि हम जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म कर सकते हैं या उसको समझ सकते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी को कैसे आगे ख़त्म किया जाना चाहिए। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर पॉजिटिव एफर्ट्स टू एलिमिनेट जेंडर इनइक्वालिटी। इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट गोल्स ऑफ अचीविंग सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल जस्टिस टू एवरी वन एंड टू प्रोवाइड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल द सिटीजन्स। इंडियन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, हमारा संविधान का जो प्रीएम्बल है वो ये कहता है कि जितने भी गोल हैं, चाहे सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे पोलिटिकल हो, मतलब सारे गोल्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन सेम होना चाहिए। और जैसा कि हम भारतीय नागरिक हैं, तो भारतीय संविधान ये कहता है कि चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, किसी भी सोसाइटी या किसी भी स्टेटस का इंसान हो, सब एक समान है और सबके लिए कानून एक समान है। ठीक है, और सबके लिए अपॉर्चुनिटी भी समान है। फादर वुमेन हैव इक्वल राइट टू वोट इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ सेक्स और सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्राउंड सच एज रिलीजन, रेस, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो हमारा जो हम वोटिंग का फॉर द वुमन हैव इक्वल राइट्स, जो वुमन है वो इक्वली वोट कर सकती हैं। मान लीजिए हम वोट दे रहे हैं तो वुमन भी वोट दे रही है ना, तो ये इक्वालिटी हुई ना। ठीक है, तो हमारे संविधान में आर्टिकल 15 क्या कहता है कि सेक्स के बेस पे, कहने का मतलब कि वो मेल है या फीमेल है, मतलब कहने का मतलब फीमेल, ठीक है,
सिक्स में तो मेल फीमेल दोनों आते हैं, तो हम बात करते हैं यहाँ पे फीमेल की। अगर वो फीमेल है तो उनको जो डिस्क्रिमिनेशन हम करते हैं किसी न किसी तरीके से, उनको जो प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे एजुकेशन उनको अच्छा ना मिला, चाहे उनको हेल्थ का ख्याल न रखना, चाहे मतलब उनको सप्रेस करना, उनको वेजेस पूरा ना देना, ये क्या होता है, ये सब डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे कि रिलीजन, किसी भी रिलीजन की हों, किसी भी धर्म की हों, किसी भी जाति की हों, सारे जो फीमेल्स हैं वो एक समान हैं, ठीक। आर्टिकल 15(3) ऑथोराइज द स्टेट टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमन एंड चिल्ड्रेन, ठीक है। तो आर्टिकल 15 में पार्ट 3 ये कहता है, पार्ट 3 मतलब कि, ठीक है, आर्टिकल 15 का थर्ड ये कह रहा है कि हर वुमन के लिए एक स्टेट है, ठीक है। हम जानते हैं कि हमारे देश में एक सेंटर होता है, एक स्टेट होता है, तो स्टेट को ये प्रोविज़न है या ये अधिकार है कि वो वुमन और बच्चों के लिए एक स्पेशल प्रोविज़न या स्पेशल कानून बना सकता है उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। मोरओवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑल्सो प्रोवाइड्स वेरियस प्रोविजन्स विच आर फॉर द बेनिफिट ऑफ वुमन एंड प्रोवाइड्स सेफ गार्ड्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी ये कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे ग्राउंड हैं जिनके, जिससे कि वुमन को सेफ गार्ड प्रोवाइड करना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, ठीक है। अगर वुमन का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हो रही है, उनको असमान दर्जा दिया जा रहा है, तो उसको ये जो हमारा स्टेट है वो पॉलिसी बना सकता है। अदर देन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड वेरियस प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन हैव आल्सो बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट टू एलिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमन एंड टू गिव देम इक्वल स्टेटस ऑफ इन सोसाइटी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेफगार्ड है, बहुत सारे प्रोटेक्टिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं हमारे पार्लियामेंट के द्वारा, या पास हो चुके हैं, ऐसे बहुत सारे बिल पास हो चुके हैं हमारे पार्लियामेंट के द्वारा कि जो अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है वुमन के साथ वो ना हो, वुमन को इक्वल ट्रीटमेंट हमारे सोसाइटी में दिया जाए। फॉर इंस्टेंस द सती प्रिविजन एक्ट 1987 में सती प्रथा को हटाया गया था, ठीक है। डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961, ठीक है। 1961 में जो दहेज प्रथा था उसको ख़त्म किया गया था, ठीक है। ये मतलब ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं जिससे कि वुमन को एक समान दर्जा मिल सके, उनको समान अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो अपना उनको समान अधिकार मिल सके हमारे सोसाइटी में, जिससे कि वो भी फ्रीली रह सकें, फ्री होके कोई फैसला ले सकें अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, या हम मतलब किसी भी सिचुएशन में वो अपना फैसला ले सकें, ठीक है। द पार्लियामेंट टाइम टू टाइम ब्रिंग्स अबाउट आउट अमेंडमेंट टू एग्जिस्टिंग लॉज इन ऑर्डर टू गिव प्रोटेक्शन टू वुमन अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमारे जो पार्लियामेंट है वो अमेंडमेंट्स करते रहते हैं जिससे कि मेल और फीमेल का बैलेंस बना रहे। फॉर इंस्टेंस सेक्शन 304B वॉज एडेड इन द इंडियन पेनल कोड 1862 मेक डॉरी डेथ्स और ब्राइड बर्निंग अ स्पेसिफिक ऑफेंसिबल पनिशेबल विथ मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ लाइफ प्रिजनमेंट, ठीक है। सेक्शन 304B के अनुसार IPC जो धारा है 1860 में, जो कि एक डॉरी डेथ होता था या डॉरी के लिए जो औरतों को दहेज के लिए जला दिया जाता था, मतलब ऐसी जो कुरीतियाँ थीं उनके लिए हमारे जो पार्लियामेंट ने है एक अमेंडमेंट बनाया जो कि ऐसे करने पे कानूनन अपराध है और उनको लाइफ टाइम की सज़ा दी जाती है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। हाउ कैन वी एलिमिनेट जेंडर इनक्वालिटी, हम जेंडर इनक्वालिटी को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे ख़त्म कर सकते हैं। द लिस्ट ऑफ लेजिस्लेशन एज वेल एज टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और इनक्वालिटीज में गो ऑन, बट रियल चेंज विल ओनली कम विन द मेंटलिटी ऑफ मैन विल बी चेंज। इसका कहने का मतलब ये है कि मतलब नियम कानून तभी अप्लाई हो सकते हैं या तभी हम इक्वालिटी ला सकते हैं, वुमन को समान दर्जा तभी मिल सकता है जब हमारी मेंटालिटी चेंज होगी, मतलब जब हम चेंज होंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक हम चेंज कर देंगे या चेंज हो जाएंगी। व्हेन द मेल स्पेसीज ऑफ ह्यूमन बीइंग वुड स्टार्ट ट्रीटिंग वुमन एज इक्वल एंड नॉट सबॉर्डिनेट और वीकर टू देम, इनफैक्ट नॉट ओनली मेन बट वुमेन ऑल्सो नीड टू चेंज देयर माइंडसेट, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हमारा माइंडसेट चेंज होगा और जब हम वुमन को इक्वल ट्रीट करेंगे, अपने जैसे बराबर समझेंगे, तो जो या उनको
तो जो हमारे बीच सोसाइटी में अनइक्वालिटी है वो खत्म हो जाएगी। इनफैक्ट कहने का मतलब कि सिर्फ मेन को अकेले सोचने से नहीं होगा, वुमेन को भी सोचना चाहिए कि वो भी इक्वल हैं, वो भी चीज़ों को जाने समझे, ठीक है, उनको भी अपना माइंडसेट चेंज करने का ज़रूरत है। तो कहने का मतलब हमारी सोसाइटी में जो मेल और फीमेल दोनों हैं, दोनों को मिल के इस चीज़ के बारे में सोचना है कि कैसे जो जेंडर गैप है या जेंडर इनइक्वालिटी है इसको कैसे ख़त्म किया जाए। देयरफॉर व्हाट इज़ नीडेड इज़ द मूवमेंट फॉर वुमेंस एम्पावरमेंट वेयर वुमेन कैन बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलियंट वेयर दे कैन फाइट देयर ओन फियर्स एंड गो आउट इन द वर्ल्ड फियरलेस, ठीक है। वुमन एम्पावरमेंट के लिए मतलब ये, अगर वुमन एम्पावरमेंट हो जाएगा, वुमन फ्री होकर अपना काम कर लेंगी, तो वो इंडिपेंडेंट रहेंगी, सेल्फ रिलायंट रहेंगी, मतलब आपके भरोसे नहीं रहेंगी, वो खुद से अपना अच्छा बुरा सोच सकती हैं, ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में या कहीं भी वो बिना डर के या कुछ भी काम कर सकती हैं, कहीं भी फ्रीली होके आ जा सकती हैं, ठीक है। वेयर वुमन हैव गुड एजुकेशन, गुड करियर, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड एबव ऑल वेयर दे हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड ऑल्सो द फ्रीडम टू मेक देयर ओन डिसीजंस विदाउट द बॉन्डेज ऑफ ओल्ड एज सेइंग ऑफ मनु। जैसे मनु स्मृति या मनु के अनुसार ये कहा जाता है कि जो हमारी पुराने समय की कुरीतियाँ थीं, वुमन को सप्रेस करना, दबाए रखना या उनको अलग अलग प्रकार से प्रताड़ित करना, ऐसा नहीं है। तो आज हम 21वीं शताब्दी में हैं, तो इन सब चीज़ को सोचना है, जिससे कि वुमन को अच्छा एजुकेशन मिले, वो अपने करियर में अच्छा कर सकते, ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टी बना सकें, प्रॉपर्टी में ओनरशिप कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हमको लेके चलना है और जानना है। ये सारी चीज़ें जब हम अप्लाई करेंगे, माइंडसेट अपना चेंज करेंगे, तभी जाके हम जेंडर गैप को या जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो ये आज का लेक्चर जो है जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर था। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।